सनातन आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की कवायद जोरों पर है। मेला प्राधिकरण इस महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान व्यक्त कर रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेनों के जरिए प्रयागराज पहुंच सकते हैं। इस बार लगभग 10 करोड़ लोगों के ट्रेन से पहुंचने का अनुमान है। रेलवे NCR के प्रयागराज मंडल ने स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है। सभी रेलवे स्टेशनों पर लगभग 25,000 यात्रियों के ठहरने के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण अंतिम दौर में है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं के आवागमन की तैयारियां चल रही हैं। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर रेलवे नोडल डिवीजन प्रयागराज मंडल ने रोड मैप तैयार कर लिया है। PRO अमित कुमार सिंह ने बताया कि महाकुंभ के दौरान प्रति घंटे 50,000 यात्रियों की दर से उनके गंतव्य स्टेशनों की ओर रवाना करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही लगभग 25,000 श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 10 आश्रय स्थलों को भी तैयार किया जा रहा है, जिनमें से 4 आश्रय स्थल प्रयागराज जंक्शन पर, 3 नैनी जंक्शन, 2 छिवकी स्टेशन और 1 सूबेदारगंज स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं। ये आश्रय स्थल 2019 के कुंभ में अस्थायी टिकट घर व शौचालय की सुविधाओं के साथ बनाए गए थे। महाकुंभ में इनका पुनर्निर्माण कर संचालित करने का कार्य चल रहा है। छिवकी स्टेशन पर एक नया आश्रय स्थल भी बनाया जा रहा है। PRO अमित कुमार सिंह ने बताया कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए अलग अलग गंतव्य स्टेशनों के मुताबिक यात्रियों को अलग अलग रंग के आश्रय स्थलों में ठहराया जाएगा। इन आश्रय स्थलों में उनके स्टेशनों की ओर जाने वाली गाड़ियों की घोषणा के साथ रेलवे प्रशासन उन्हें सही ट्रेन तक पहुंचाने का भी प्रयास करेगा। इसके लिए आश्रय स्थलों की कलर कोडिंग जाने वाली ट्रेनों की दिशा के मुताबिक की गई है। लखनऊ और बनारस जाने वाले यात्रियों को लाल रंग के आश्रय स्थल, कानपुर के लिए हरे रंग का, जबकि सतना, मानिकपुर, झांसी की ओर जाने वालों को पीले रंग के आश्रय स्थलों में ठहराया जाएगा। अलग अलग स्टेशनों पर आश्रय स्थलों की कलर कोडिंग थोड़ी अलग अलग भी है, जिसकी जानकारी स्टेशनों पर लगी रहेगी। इसके साथ ही आरक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग से भी अस्थायी आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं।